Good morning, students. Today we will do income from other sources. As you know that we have already completed four heads of income. Income from salaries, income from house property, PGBP and capital gains. Today we will finish income from other sources. This is very easy. Any income which is not chargeable to tax under any of the four heads, first four heads will be chargeable to tax under the head income from other sources. So IFOS, income from other sources, this head is also known as residuary head of income. Right, this particular head of income is also known as residuary head of income. Say for example, if I give you an example, income from subletting of house property, income from subletting of house property. Now tell me, this is HP or IFOS. As per the chargeability section of house property, the SSE must be the owner of the property. But here, I am not the owner. I have taken it from someone and then I have given it to someone. So in that case, conditions of house property is not satisfied. Therefore, it will be other sources. Since SSE is not the owner of house property, therefore income from subletting will be chargeable to tax under the head IFOS. Salary ye ho nahi sakta, business ye ho nahi sakta, humne koi asset becha to hai nahi, to isiliye other sources ko residuary head of income bola jata hai. Agar koi income koi bhi head mein nahi aa raha hai, then it will come under the head IFOS. कुछ कुछ इनकम ऑलवेज अदर सोर्सेज होता है. देर आर सर्टेन इनकम विच इज ऑलवेज अदर सोर्सेज, लाइक डिविडेंड इनकम. सपोज मैं सिक्योरिटीज में मैं डीलर हूं, मेरा काम ही है सिक्योरिटीज परचेज करके बेचना. तो अगर मैंने डिबेंचर खरीदा है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा. लेकिन अगर मैंने डिबेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदा है, आई एम नॉट अ डीलर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा अदर सोर्सेस माना जाएगा. बट शेयर्स के केस में इवन इफ आई एम डीलर, इट विल बी ऑलवेज अदर सोर्सेस डिविडेंट इनकम. So dividend income always other sources. Casual income, card game, winning from lottery, etc. राइट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट किया है तो एम्प्लॉय के लिए वो इनकम है.
सैलरी में जाएगा, सर्टेन अमाउंट एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन नॉर्मल मेरा बर्थडे में, मेरा मैरिज में, मेरा रिलेटिव मेरे को गिफ्ट करेगा, IFOS। कुछ साल पहले IFOS खाली कैश गिफ्ट के बारे में बात करता था, बट अभी कैश गिफ्ट के साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रहा है, तो उसका क्या होगा? टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? रिलेटिव से मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा, किसी और आदमी से मिला है तो टैक्सेबल होगा। तो काफी सारा प्रोविजंस है जो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। सो सिंपल सा फंडा समझो, IFOS इज नोन एज द रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम, राइट? तुमको पांच छह तो इनकम दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा हेड है। सैलरी नहीं है, HP नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, IFOS। गॉट माय पॉइंट? सर्टेन इनकम ऑलवेज IFOS। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? आइडेंटिफाई द इनकम विच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड IFOS। एग्जामिन द ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। सो दिस इज प्योरली गिफ्ट, कैश गिफ्ट एंड गिफ्ट इन काइंड। कई बार इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदा गया है। प्रॉपर्टी का दाम है 50 लाख, मैंने तुमसे 30 लाख में खरीद लिया, 20 लाख का मेरे को प्रॉफिट हो गया, उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोला जाता है। So those things are chargeable to tax under this head. ठीक है? क्या क्या डिडक्शंस मिलेगा? जैसे PGPP में हम लोग पढ़ा है, पर्सनल एक्सपेंस डिस अलाउड होता है, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन डिस अलाउड होता है। जैसे अगर मैं सिंपल सा चीज बोलूं, मिस्टर एक्स टुक अ प्रॉपर्टी ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 4000। द प्रॉपर्टी वॉज सबलेट टू ए एट अ मंथली रेंट ऑफ 9000। रिकवरी एक्सपेंसेस 10000। मतलब भाड़ा उठाने के लिए एक एजेंट रखा था मैंने, वो जा जाके भाड़ा उठा के देता था। थोड़ा बहुत रिपेयर एक्सपेंसेस भी करवाया है। तीन हजार प्रॉपर्टी टैक्स पेड, 4000 इंश्योरेंस, 9000 पेड बाय कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सिंपल है एकदम। तो मेरा इनकम क्या आएगा बोलो? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग
1,08,000। नाउ ये सारा एडमिसिबल डिडक्शन है, इसमें से खाली ये वाला नहीं मिलेगा क्योंकि इसे मैंने दिया ही नहीं है। दिस इज एडमिसिबल, दिस इज एडमिसिबल, दिस इज एडमिसिबल। प्रॉपर्टी टैक्स पेड, हाँ सबसे बड़ा खर्चा अभी तो मैंने लिया ही नहीं है, रेंट पेड ये भी तो खर्चा है। This is IFOS. तो इस इनकम को अर्न करने में जो भी मेरा एडमिसिबल खर्चा है वो सारा ले लेंगे। यस और नो? Identify admissible deductions computing. Inadmissible personal expenses. Provision for expenses. कैजुअल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। थर्टी परसेंट स्ट्रेट अवे। लॉटरी कार्ड गेम। तो ये सारा बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। देख लो, दिस इज ऑलवेज IFOS, इवन इफ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, कैजुअल इनकम, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, बेटिंग, गैम्बलिंग। इसके लिए मैं एक चीज बताता हूं, होली में मैंने कार्ड गेम खेला, मेरे को लॉस हो गया 10,000 का, और वापस से मेरे को गेन हुआ है दिवाली में मैंने खेला 30,000 का। दिस इज माई कैजुअल इनकम। 10,000 का लॉस इग्नोर कर देगा सरकार। दिस इज नॉट एडमिसिबल डिडक्शन। कैजुअल इनकम का ऑलवेज पॉजिटिव इज कंसिडर्ड, नेगेटिव इज इग्नोर्ड, नॉट सेट ऑफ। यही नहीं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,00,000, ₹2,000 का मैंने टिकट खरीदा था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टिकट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड। इज इट ओके? टिकट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड।
एडवांस मनी फॉरफिटेड कैपिटल गेन में बताया फ्रॉम 1/4/2014, अगर प्रॉपर्टी का डीलिंग में कोई भी एडवांस मनी फॉरफिटेड है तो वह IFOS में टैक्सेबल होगा। इसके पहले कोई भी एडवांस मनी फॉरफिटेड होगा तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा, उसके बाद इंडेक्सेशन होगा, और प्रीवियस ओनर वाला एडवांस मनी फॉरफिटेड कंसीडर नहीं होता, इग्नोर करते हैं। फोन नेम को देके जाना तो क्या बोल रहा है, मैसेज कनक बिहारी बात करता हूँ। इज इट फाइन? ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50% का, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इश्यू हुआ है तो जितना एक्सेस कंसिडरेशन है वो आपका IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना शेयर फेयर मार्केट वैल्यू में इश्यू करना चाहिए। जब भी तुम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फ्लोट करते हो या तो पार में इश्यू कर दो 10 रुपया, जैसे तुम प्रीमियम मांगते हो मतलब पक्का कुल झोल झपाटा है। किस बात का प्रीमियम मांग रहे हो? लोग ऐसा क्यों करते हैं मालूम है? स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए। जितना ज्यादा कैपिटल वो लोग रजिस्टर करेंगे उतना उसको देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल को लो रखता है, शेयर को प्रीमियम में इश्यू कर देगा तो पैसा तो उतना ही आया ना। आज मेरे को 6 लाख रुपया चाहिए तो मैं 60,000 शेयर इश्यू करूंगा इंटू 10, 6 लाख का कैपिटल, और एक आदमी कर रहा है 40,000 शेयर 15 करके इश्यू कर दे रहा तो भी 6 लाख रुपया आ गया। तो 6 लाख में शेयर कैपिटल तो 4 लाख ही है, तो यहां वो रजिस्ट्रेशन फीस 6 लाख पे दे रहा है, यहां वो रजिस्ट्रेशन फीस 4 लाख पे दे रहा है, 2 लाख जो ये कलेक्ट किया ये इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम माना जा रहा है। तो लोग ऐसा करते हैं स्टैम्प ड्यूटी बचाने का चक्कर में। कहा जितना कैपिटल मैं रजिस्टर कराऊंगा उतना मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो कैपिटल ज्यादा रजिस्टर क्यों कराऊं, शेयर को ज्यादा में इश्यू कर दो
एक्सेस को सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो, वही तो क्यों करेगा, इसलिए तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया उसको। शेयर को तुम फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इश्यू किया, मतलब यू हैव अ बैड इंटेंशन ऑफ सेविंग द स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, 10,000 शेयर है 60 रुपए में इश्यू कर देगा, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू, 50 रुपया प्रीमियम, कैपिटल 1,00,000, तो बोला ठीक है आप करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा शेयर का, 10 ही रुपए आएगा नया कंपनी का, तो डिफरेंस पे आपको IFOS में टैक्स देना पड़ेगा। सो वॉट एवर कंसिडरेशन यू हैव रिसीव्ड राइट इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जब भी आप शेयर फ्लोट करते ऑलवेज डू एट फेयर मार्केट वैल्यू और एट पार वैल्यू, नहीं तो एक्सेस वाला, वन ऑफ माई क्लाइंट डिड दिस, उसका 12 रुपया 30 पैसा आ रहा था फेयर मार्केट वैल्यू, वो भी बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसने एक जमीन खरीदा उसी को कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में दिखा दिया, प्रमोटर लोग जमीन खरीदा एंड उसके वो लैंड को दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टू द बिजनेस एंड बदले में लोग शेयर ले लिए, हो गया। साल भर बाद वो लोग और फर्दर इश्यू किया और शेयर फ्लोट किया, अब अमोंग योर सेल्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप बाहर वाले से पैसा नहीं ले सकते, रेस्ट्रिक्शन है उसमें, तो और जब शेयर फ्लोट किया तो उनका लैंड एंड बिल्डिंग, वो लोग 15 बिना ये लोग को ज्ञान मालूम ही नहीं था, कैपिटल का पैसा लग रहा था कि इसलिए कैपिटल को कम रजिस्टर करके शेयर को प्रीमियम में इश्यू कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम खड़ा कर दिया। फिर वो लोग मेरे को बुलाया तो मैं उन लोग को बोला देखो भैया आपने जो कर दिया सो कर दिया, अब भगवान से ये मनाओ कि आपका फेयर मार्केट वैल्यू इसके नजदीक आ जाए। बोलो 15 में इश्यू कर दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू आया 12 रुपया 30 पैसा, कुछ तो राहत मिला, वही अगर फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपए आता तो फेयर मार्केट वैल्यू में लैंड जितना भी एसेट है उसका मार्केट वैल्यू कंसिडर होगा, तो लैंड का वैल्यू एप्रिशिएट किया ओवर द ईयर, लैंड बुक्स पे कॉस्ट पे है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लैंड बुक वैल्यू पे है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लेकिन वैल्यूएशन करते वक्त फेयर मार्केट वैल्यू निकाला गया तो 12 रुपए 30 पैसा आया, नेट एसेट बढ़ जाएगा ना, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेगा तो फेयर वैल्यू आ जाएगा, सारा नेट एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लेना पड़ेगा, तो फेयर वैल्यू 12 रुपए 30 पैसा आया, हम बोला अच्छा बात है थोड़ा बच गए हो, 2 रुपए 70 पैसा पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इश्यूड IFOS में टैक्सेबल, ठीक है। हाँ इज इट ओके, ये सब मैं आऊंगा, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई विल कम टू दिस, नो प्रॉब्लम। ये सब खर्चा IFOS के टाइम पे माइनस नहीं होगा, PGBP में क्या करते हैं इनकम लेस एक्सपेंस, सारा अलाउएबल एक्सपेंसेस, और अगर बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करें तो सारा डिसअलाउड को प्लस कर देते हैं, तो दीज आर ऑल डिसअलाउड एक्सपेंसेस। फ्रंट कैलकुलेशन में इन सबको लेना नहीं है, बैक कैलकुलेशन में एडबैक करते चलना है, क्योंकि फ्रंट कैलकुलेशन जब आप करेंगे इनकम लेस एक्सपेंस तो उसमें आप अलाउएबल को ही कंसिडर करते हैं, डिसअलाउड को इग्नोर कर देते हैं, और जब आप बैक कैलकुलेशन चलते हैं इसका मतलब सारा एक्सपेंस माइनस किया हुआ उसमें से जो जो डिसअलाउड है उसको वापस एड बैक कर दो, राइट। तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड होता है,
सपोज करो मैंने लोन लिया, लोन लिया 9% में, और उसी लोन से मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे, इंटरेस्ट इनकम आएगा, तो उस इंटरेस्ट इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल मार्केट। क्यों? क्योंकि आपने जो बोरो किया है, बोरोइंग रेट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट रेट। अगर ऐसा होता कि बोरोइंग रेट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट रेट, तो हर का आदमी यही करता, कहीं नहीं जाता, ऑफिस ऑफिस जाने का दरकार नहीं है, बैंक वालों को बोलता भैया तुम 9% में हमको लोन दो, उसी बैंक को बोलता मेरा 11% में एफडी कर दो। मार्केट डजंट वर्क लाइक दिस। हाँ, दो डिफरेंट मार्केट होगा, किसी से आप सस्ता में बोरो करके कहीं इन्वेस्ट करके आप ज्यादा कमा लियो, बात अलग है, या स्टॉक में ट्रेडिंग करके आप ज्यादा कमा लिए, समझ में आता है। सेम मार्केट में बोरो करके इन्वेस्टमेंट इज, जिस दुकानदार से आपने सामान खरीदा क्या उसी को आप बेच सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? सो इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउएबल है अगर आपने लोन लिया है उस चीज को कमाने में, लोन को यूटिलाइज किया उस इनकम को अर्न करने में, तो उसका इंटरेस्ट डिडक्टिबल है। लेकिन अगर टीडीएस नहीं काटा है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। आउटसाइड इंडिया वाला जिसपे आपने टीडीएस नहीं काटा है, सेम इज द केस विद सैलरी, आपने टीडीएस नहीं काटा है, राइट? विद इन इंडिया वाला अगर बात करूं, विद इन इंडिया वाला विद इन इंडिया आपका कोई भी खर्चा आपने टीडीएस नहीं काटा है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा डिसअलाउ नहीं होता है, 30% डिसअलाउ होता है। अगले साल जब आप दे देंगे तो वापस से वो 30% अलाउएबल हो जाएगा। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन, ये पीजीपी में भी डिसअलाउ होता था, 10,000 से ज्यादा कोई भी पेमेंट किया है कैश में, पीजीपीपी में भी ये चीज डिसअलाउ होता था। जनरली क्या डिसअलाउड होगा, ये मोटा मोटी पीजीपीपी के तरह ही है। पीजीपीपी में इसका नाम था सेक्शन 48(2) और इसका था सेक्शन 40(a)(3), इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज इट ओके? आएंगे सब पे धीरे धीरे करके। पहले मैंने आपको कितना इनकम के बारे में बताया, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दीज फाइव, और भी है लिस्ट में, आराम से करेंगे, जिसमें ये सब समझाने का कोई दरकार नहीं है, इसको समझाने का कोई दरकार नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन। ये इनकम है ना, देखना इससे रिलेटेड डिडक्शन नीचे आएगा, ये देखो डिडक्शन, अलाउएबल डिडक्शन में ये लो आगे ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कैपिटल गेन में सीखा है हम लोग, इनिशियल और एनहांस कंपेंसेशन का इंटरेस्ट में 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो जैसे मैंने आपको सैलरी में पूरा चार्ट दे दिया था ना पहले ही, वैसे आईएफओएस का है। तो पहले आपने ये पांच टाइप ऑफ इनकम का बात करें, ये पांचों आईएफओएस है, तो पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, राइट? एंड जो जो अलाउड नहीं है उसके बारे में बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
आइए, पीजीपीपी में जैसे अपने प्रोफेशंस के लिए कैश बेसिस था और बिजनेसमैन के लिए अक्रूअल बेसिस था, यहां पर भी दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो कर सकते हैं, आइदर यू कैन रिपोर्ट कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस। ठीक है, ओनली मतलब ऑलवेज IFOS, हमेशा। ठीक है, सो डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS, इवन इफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी स्टॉक इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नाउ डिविडेंड होता क्या है, व्हाट इज डिविडेंड, दीज आर शेयर होल्डर्स राइट एंड दिस इज कंपनी, कैश गिवन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसको डिविडेंड बोला जाता है। बिना प्रॉफिट के कैश कैसे देंगे, राइट? देर आर सम डिस्ट्रीब्यूशंस जिसको डीम डिविडेंड माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तुम लोग का पक्का आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में थ्योरी दे देगा डिविडेंड का। ठीक शेयर होल्डर लोग कंपनी में पैसा देता है, राइट? तुम लोग फॉर्मेट समझ गया ना, IFOS का इनकम माइनस एडमिसिबल डिडक्शंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसमें से कौन कौन सा इनएडमिसिबल मतलब डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड हम लोग सारा पढ़ लिया, इनकम्स कुछ कुछ पढ़ा, एडमिसिबल डिडक्शंस कुछ कुछ पढ़ा। अभी हम लोग पहले ये थोड़ा सा इनकम कंप्लीट करेंगे, फिर और थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, तो पूरा IFOS हो जाएगा। तो डिविडेंड इनकम ऑलवेज अदर सोर्सेस आया ना, लेकिन कुछ कुछ केस में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है बट कैश में नहीं मिल रहा, तो उसको डीम डिविडेंड बोला जाएगा। मैंने आपको शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसको अपने बिजनेस में लगाया, उसमें से प्रॉफिट जनरेट किया, वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा शेयर होल्डर को दे रही है, दैट इज डिविडेंड, कैश डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट। SH का मतलब शेयर होल्डर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केस में आप देखेंगे कैश नहीं मिल रहा है शेयर होल्डर को, कुछ और ही मिल रहा है, वो भी डिविडेंड माना जाएगा। जैसे कंपनी अपना कोई एसेट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड, इट इज डीम डिविडेंड। तो जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसका जो मार्केट वैल्यू है उतना रुपया डीम डिविडेंड माना जाएगा। डिविडेंड बोलने का मतलब कैश डिविडेंड,
आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, ठीक है, डिबेंचर दे रहे हैं आप, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हैं, ये सब आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा। बोनस शेयर मालूम है क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देना। सपोज करो मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूं, 1 लाख इक्विटी शेयर है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, तो ये 10 लाख हो गया, ये भी 10 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 8 लाख का, ठीक है। नाउ कंपनी गिव्स बोनस शेयर्स एट द रेट 1:2 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है? एवरी इसका मतलब है वन बोनस शेयर विल बी गिवन टू फॉर एवरी टू प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड। इज इट फाइन? है ना? तो हर दो के बदले में एक, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कितना होगा? ₹50,000 शेयर्स, और एक एक शेयर ₹10 का है, 5 लाख हो गया ना, ठीक है। बैलेंस शीट पोस्ट बोनस, एक लाख का इक्विटी शेयर 10 लाख, डेढ़ लाख का प्रेफरेंस शेयर, है ना, कैपिटल बढ़ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 3 हो गया। बोनस खाली मन का संतुष्टि और कुछ नहीं है, मेरा ही प्रॉफिट मेरे को दे रहे हो तुम, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। आज तुम मेरा प्रॉफिट मेरे को कैश में देता? मेरा प्रॉफिट तुम मेरे को कैश में देता है या ना, डिविडेंड के तौर पे? फिर उस कैश से तुम हमसे वापस से फर्दर इश्यू करवा सकता था? सियाना समझते हो अपने आप को? मन का संतुष्टि है, सोचता है दुनिया बेवकूफ है। अरे भैया हम तुमको डिविडेंड दे दिया, फिर तुम उस पैसा का क्या करेगा? कहीं और इन्वेस्ट करेगा? मेरा शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगा, किसी और का बढ़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है? सियाना बुद्धि खटा लिया हम, रिजर्व को कम कर दिया, कैपिटल बढ़ा दिया, तो ये बोनस माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा, डीम डिविडेंड।
ठीक है। हाँ, मार्केट वैल्यू नहीं मालूम है तो फेस वैल्यू होगा। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर्ग का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू सिमिलर होता है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो बोनस देगा वो डिविडेंड नहीं माना जाता, दैट इज नॉट डीम्ड डिविडेंड। इसलिए मैंने खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डीम्ड डिविडेंड इसीलिए, देखो प्रॉफिट कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा, हो क्या रहा है, जनरल रिजर्व कम हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो बोनस दे रहे हो वो डिविडेंड क्यों माना जा रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रेफरेंस शेयर तो रिडीमेबल है, ये पैसा तो आज नहीं तो कल हमको चुकाना ही है। लेकिन इक्विटी को पैसा कब चुकाना है, जब कंपनी बंद होगा। लॉजिक समझो, तुम रिजर्व कम करके इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, वो डिविडेंड नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर लोग उसको एनकैश नहीं करवा सकता। उसको एनकैश कब करवा पाएगा, वाइंडिंग अप। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो एनकैश कर लेगा ना 4 से 5 साल बाद। तो इसीलिए बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डीम डिविडेंड माना जाएगा। जैसे यहां पे उसको एसेट मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड, बेच देगा एसेट को, पैसा रियलाइज कर लेगा, एक ही बात है ना। यहां पे आज नहीं तो कल तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस मिल ही जाएगा पैसा। क्लियर? लिक्विडेशन में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, हर जगह एक ही बोला, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व इन सरप्लस 5 लाख, 15 लाख आया, सारा एसेट बेच दिया। लिक्विडेशन में क्या होगा, सारा एसेट बेच दिया, सारा लाइबिलिटी बेच दिया, सारा लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, 16 लाख रुपया बच गया हम लोग के पास। तो इन लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दूंगा, 15 लाख दूंगा कि 16 लाख दूंगा? अरे बाबा, अब कौन बचा, अब तो आगे कोई बचा नहीं ना, सारा एसेट को बेचा। डिवेंचर होल्डर का जितना होगा उसको उतना ही देंगे, क्रेडिटर का जितना होगा उसको उतना ही देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जितना होगा उतना देंगे, बचा हुआ सारा तो इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएगा। बुक वैल्यू से क्या लेना देना है? तो आफ्टर पेइंग ऑल एसेट्स, आफ्टर पेइंग ऑल लाइबिलिटीज, आई एम लेफ्ट विथ 16 लाख। आफ्टर रियलाइजिंग ऑल एसेट्स, आफ्टर पेइंग ऑल लाइबिलिटीज, आई एम लेफ्ट विथ 16 लाख रुपीज। पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, लेकिन उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? समझ गया ना? तो टू द एक्सटेंट ऑफ 16 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन 5 लाख तक डीम डिविडेंड बोला ना, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद का जो भी है वो नॉर्मल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल माना जाएगा।
रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम कर दिया, 10 रुपए को 8 रुपए कर दिया, 2 रुपए वापस कर दिया, तो वो डिविडेंड ही माना जाएगा। लोन, अगर कोई आदमी जिसके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर है, उसको अगर मैंने लोन दिया है शेयर होल्डर को, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये लोग शेयर होल्डर है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एचयूएफ को लोन दिया है और उसमें ये मेंबर है, लोन इज डीडी, डीडी मतलब डीम डिविडेंड। हमको लोन नहीं दिया, मेरा एचयूएफ, मेरा फर्म जिसमें मैं बेनिफिशियल ओनर हूं या मैं मेंबर हूं या मैं पार्टनर हूं जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड, बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, लोन टू शेयर होल्डर और टू एचयूएफ फर्म जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। आराम से लिख के आना एग्जाम में, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये सब डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मेरा लोन देने का ही काम है, क्या करूं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है। ठीक है, नॉट डीम डिविडेंड। मैंने तुमको पहले लोन दिया, उसको डीम डिविडेंड मान लिया तुम, बाद में मैं जब डिविडेंड दे रहा हूं तो मैं तुम्हारा उस लोन से उसको सेट ऑफ कर दे रहा हूं, तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। समझ गया ना? द एडजस्टेड अमाउंट विल नॉट बी टैक्स अगेन। अच्छा, और एक बात बताता हूं, जस्ट यहां पे देख लो, लोन के केस में क्या बोला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन दिया किसको, शेयर होल्डर को, डीडी, बाद में ये चुका दिया, तो ये जो चुकाया इसका डीडी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये डीडी मान लिया गया, मतलब मान लिया गया। सपोज आज मैंने तुमको लोन दिया, तुम मेरा 10% शेयर होल्डर है, तो डीम डिविडेंड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बोलो।
एडवांस बाई क्लोजली हेल्ड टू इट्स शेयर होल्डर, डिविडेंड माना जाएगा ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना शेयर होल्डर को लोन दिया है, लोन 2 लाख, तो ये डिम डिविडेंड माना जाएगा। 5 दिन बाद ये चुका दिया, नहीं उस ये डिम डिविडेंड माना जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे लिखा हुआ है, ये मैं दे दूंगा तुमको पीडीएफ, सब्सिक्वेंट रीपेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 222E। ए टू ई है, ए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड, बी हो गया तुम्हारा बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सी हो गया लिक्विडेशन, डी हो गया रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और ई हो गया लोन वाला। तो 222E बोल रहा है, ये सब डिविडेंड नहीं माना जाएगा। कुछ कुछ अदर एक्सेप्शन भी है, ये सब तो एक्सेप्शन है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक्सेप्शन है, वो भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जैसे नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, खाली सी एंड डी के लिए बोल रहा है, मतलब लिक्विडेशन और रिडक्शन, मतलब जिसको अप टू फेस वैल्यू मिलेगा उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बायबैक, बायबैक में क्या होता है, हम शेयर वापस ले लेते हैं, चीज को समझना। डिस्ट्रीब्यूशन इन कैंड में हम शेयर वापस नहीं ले रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल में भी हम शेयर वापस नहीं ले रहे हैं, लोन बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू शेयर होल्डर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब शेयर होल्डर, उसमें भी हम शेयर वापस नहीं ले रहे, लेकिन बायबैक में क्या होता है, हम शेयर वापस ले ले रहे हैं ना। सो ये डिम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, डी मर्जर समझो। डी मर्जर क्या होता है, कंपनी है इसका दो यूनिट है, यूनिट वन यूनिट टू, मैंने अपना यूनिट टू कंपनी जेड को सेल ऑफ कर दिया, ठीक है, कंपनी जेड मेरे को बदले में क्या देगा, शेयर्स ऑफ कंपनी जेड, और ये शेयर को मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर ऑफ कंपनी वाई, तो सेल हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू, ये हो गया नंबर थ्री, तो बोला ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये डिम डिविडेंड नहीं है। तो रिजल्टिंग कंपनी मतलब कंपनी जेड पुराना कंपनी का शेयर होल्डर को कुछ भी देगा तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब बता रहा है, जान के फायदा नहीं है। जनरल रिजर्व, पीएल, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफिकेशन आया ट्रेड एडवांस के लिए, ट्रेड एडवांस जो होता है ना, जैसे माल खरीदते वक्त सप्लायर एडवांस मांगता है, तो सपोज एचयूएफ मेरा सप्लायर है, से फॉर एग्जांपल मैंने उसको एडवांस दिया और उस एचयूएफ में एक शेयर होल्डर मेंबर भी है,
तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये डीम डिविडेंड का प्रोविजन है, डीडी प्रोविजन फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। ये पूरा समझाया गया है, पूरा वही लिखा है कि मैंने एडवांस दिया है शेयर होल्डर को जिसका 10% से कम होल्डिंग, मतलब 10% से ज्यादा वाला को, या एचयूएफ को जिसमें वो मेंबर है, ये डीम डिविडेंड के बारे में समझाया है। तो कोर्ट सीबीडीटी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा मैटर सीबीडीटी देखता है। तो सीबीडीटी क्लैरिफाई कर दिया कि ट्रेड एडवांस इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन वुड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस। क्लियर। पहले क्या होता था, सीडीटी लगता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अब तो वो तो हट गया है। तो जो भी डिविडेंड है, राइट, बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब कौन टैक्स देगा, डिविडेंड तो इनकम हो गया ना। तो पहले क्या होता था, कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता था तो उस पे सीडीटी लग जाता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाता था। बट अभी क्या बोल रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड पेड इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर का इनकम माना जाएगा, राइट। डीम डिविडेंड भी वही बोल रहा है, इनकम माना जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डिविडेंड पे नॉर्मल टैक्स लगता है, कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है, नो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। पढ़िए, क्वेश्चन करेंगे या तो आपको थ्योरी आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है। आंसर बताइए। पहला बात बताओ, ये तो लोन वाला है ना, सेक्शन 222E लगेगा, है ना। दस परसेंट से ज्यादा मेरा होल्डिंग है ना, लेकिन मेरा होल्डिंग कौन सा कंपनी में है, इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टेट। क्लॉज क्या बोलता है डीम डिविडेंड का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे ये चीज लागू होगा, पब्लिक लिमिटेड पे नहीं।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इफ इफ इट इज लेंडिंग कंपनी, तो माय आंसर विल चेंज, बट लोन है 5 लाख का, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, इज इट ओके? आइए आंसर देख लेते हैं। ये तो प्रोविजन एक्सप्लेन किया है, कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना चाहिए। विल नॉट अप्लाई, ठीक है। बड़े आगे सो टेक्निकली स्पीकिंग, अभी खाली डिविडेंड इनकम हुआ है, अब हम लोग कैजुअल इनकम करेंगे, फिर ऐसे करके 5 कंप्लीट हुआ, फिर और पढ़ेंगे। जितना अच्छे से समझे हुए रहेगा ना, कैजुअल इनकम मतलब इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, इस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करता है। ठीक है, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, consideration in excess of fair market value of share issued by private limited company to be treated as income of such company, जब share premium में issue हो रहा है। ठीक है, ये देखो मैंने बोला ना 15 में मेरा क्लाइंट इश्यू किया था, 12 रुपया 30 पैसा इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, दिस इज इश्यू प्राइस, दिस इज फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू वो हायर माना जाएगा, आपने जो निकाला है और एसेसिंग ऑफिसर जो बोलेगा, दोनों में जो हायर होगा। तो यहां पे आप उसको घूस खिला सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके हाथ में है ना, बोलेगा मैं इस फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ा के दिखा दूंगा, बोलो कितना दोगे, आइए अलग अलग केसेस है।
तो पहला केस में सही है ना, इश्यू प्राइस ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, सो 130 माइनस 120 टैक्सेबल एज IFOS फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, सही है ना बेटा, गलत नहीं बोल रहा हूं तो। शेयर प्रीमियम, अच्छा यहां पे ये फेयर मार्केट वैल्यू है और ये वाला इशू प्राइस, ठीक है ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये इशू प्राइस है। शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है, पहला कंडीशन ही क्या है, शेयर प्रीमियम में इशू होना चाहिए। शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है बट कंसिडरेशन रिसीव इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, नथिंग चार्जेबल टू टैक्स एज लॉस नहीं दिखा सकते हैं। समझ गया, ऐसे देखेगा तो इश्यू प्रोसीड ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, बट पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, शेयर्स नॉट इश्यूड एट प्रीमियम। चीज को समझ रहा है ना, अगर ये प्रीमियम में इश्यू नहीं हुआ तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा सेक्शन, खाली अगर तुम इसको देखेगा तो बोलेगा 98 इज मोर देन 90 इंटू 30,000, तो लोग बोलेगा 240,000 मेरा नहीं, गलत हो जाएगा। पहले चेक करो कि शेयर प्रीमियम में इश्यू हुआ है कि नहीं, ठीक है। शेयर प्रीमियम में इश्यू हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम बेची, लेकिन पहला बात शेयर प्रीमियम में इश्यू हुआ है ना, आप देखो कंसिडरेशन ज्यादा है क्या फेयर मार्केट वैल्यू से, हाँ ₹8,00,000 टैक्सेबल होगा। पहले चेक करो शेयर प्रीमियम इश्यू हुआ है, हाँ इज शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, आंसर इज यस, चेक आईपी मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, दैट्स इट, यस डिफरेंस इज टैक्सेबल। क्लियर,
इंटरेस्ट के लिए बोला है, पहले ही बता दिया। यहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग लागू नहीं होगा, जब रिसीप्ट होगा टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। जब आपका गवर्नमेंट से इनिशियल कॉम्पेंसेशन में भी वही था, एनहांस में भी वही था। इनिशियल में क्या था, पार्ट मिलने से पूरा टैक्सेबल, बट एनहांस में जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल, और इंटरेस्ट जब मिला तब टैक्सेबल। एडवांस मनी फॉरफिटेड के लिए बोला है, मालूम ही है तुम लोगों को। इसके पहले क्या होता था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर देते थे, और अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसी प्रोविजंस को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अब गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वहां पे देखो पॉइंट नंबर 6 था ना, मैं बाद में दिखा दूंगा वो मेन पेज वाला। तो सबसे पहले हम लोग कैश गिफ्ट के बारे में बात करेंगे।
सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कैश गिफ्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टी रिसीव राइट विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. हालांकि दोनों साथ में कवर किया है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात करते हैं. अगर आपको 50,000 से ज्यादा साल में गिफ्ट मिला है, कैश गिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं, उसमें रिलेटिव वाला नहीं आएगा, मैरिज नहीं आएगा, इनहेरिटेंस नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, इसको छोड़ के आपको 50,000 से ज्यादा मिला है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा. ये नहीं कि एक्सेस वाला टैक्सेबल होगा. सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन मतलब गिफ्ट, कैश गिफ्ट ग्रेटर देन 50,000. एक एक आदमी का नहीं, टोटल एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ कैश गिफ्ट ग्रेटर देन 50,000 देन अमाउंट, एंटायर अमाउंट इज 50,000. ठीक है, इस एग्रीगेट अमाउंट में रिलेटिव नहीं आएगा, मैरिज नहीं आएगा. सर ये सब कहां लिखा है बताता हूं, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन. एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव, प्रॉपर्टी के लिए भी सेम चीज है. Outside the ambit of section 56.210, outside the ambit मतलब relative, सर आपने बोला है, झूठ नहीं बोलिए, marriage, will, inheritance, death, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन KMC, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला आपको, कोई ट्रस्ट से मिला आपको, ये वाला जो है ना, याद है मैंने कैपिटल गेन में बताया था गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, आया ना, गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, प्रॉपर्टी गिफ्ट. इसमें और भी बहुत सारा चीज कवर्ड है, विल, इनहेरिटेंस, राइट. सो रिलेटिव से मिला है, मैरिज में मिला है, विल, इनहेरिटेंस, डेथ, लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, अदर मेडिकल, एनी ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, राइट, चैरिटेबल ट्रस्ट. ठीक है,
फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड एस्टैब्लिश सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल. वही ट्रस्ट रिलेटेड है. ठीक है. ये COVID-19 में आया था. पूरा COVID-19 से रिलेटेड है. एल और एम. अब तो ये अब थोड़ी किसी को कोविड हो रहा है. ठीक है. तो ये वाला अपने को करने का दरकार नहीं है. ये वी कैन स्ट्राइक इट ऑफ. दिस पोर्शन. ठीक है. तो इन लोगों से अगर गिफ्ट मिलेगा, कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा मिलेगा, तो वो लिमिट का कंसिडरेशन में नहीं आएगा. क्लियर. बढ़ू आगे. 50,000 से ज्यादा अगर एग्रीगेट है कैश गिफ्ट का, पूरा 50,000 एंटायर अमाउंट इज टैक्स. नहीं कि 50 के ऊपर वाला टैक्सेबल है. ये खाली चेक करने के लिए. दिस इज ओनली फॉर चेकिंग. दिस इज ओनली फॉर चेकिंग. एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल. अब बात करता हूं प्रॉपर्टी में. प्रॉपर्टी में दो सेक्शन होगा. इमूवेबल का पहले बात होगा, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात होगा. यहां पे एक चीज याद रखिएगा, इंडिविजुअली. मतलब अगर आपको 10 ठो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला है, इंडिविजुअली सबका चेक होगा यहां पे. यहां पे आपको 20 लोगों से गिफ्ट मिला है, 20 का टोटल वो 50 से ज्यादा होना चाहिए. इसलिए यहां पे एग्रीगेट वर्ड यूज किया गया है. दे हैव यूज्ड द वर्ड एग्रीगेट. यहां पे कहीं पर भी एग्रीगेट वर्ड यूज नहीं किया गया है. तो अगर आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ भी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, तो हम लोग लिखते हैं इमूवेबल. इमूवेबल आपको गिफ्ट में मिला है, तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, इफ दैट एक्सीड्स 50,000, फुल इट विल बी टैक्सेबल. इन एक्सेस ऑफ 50 नहीं, 50 से ज्यादा है उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, पूरा टैक्सेबल होगा. एग्रीगेट नहीं, एक एक एसेट का देखा जाएगा. यहां पे तुमको शर्मा से भी मिला है, वर्मा से भी मिला है, तुम्हारा करोड़पति दोस्त से नाता है, सब तुमको गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहा है, या तुमने सस्ते में खरीदा है.
ये जो बात हो रहा है ना, यहां पे मैं जो भी बात कर रहा हूं रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है, डोनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है। चीज को समझो, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब ये सेल है, बेसिकली इट इज सेल ऑफ इमूवेबल एट अ प्राइस लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। सेलर क्या करता है, व्हाट ट्रीटमेंट सेलर डस बताओ। मैंने बताया हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन में, फॉर सेलर ये मैं परचेजर का बता रहा हूं, दिस इज परचेजर। फॉर सेलर व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और इफ यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर फेयर मार्केट वैल्यू देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और इफ यू हैव कॉन्टेस्टेड द वैल्यू इन द कोर्ट देन द वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। तो सेलर का मैं क्लियर हूं, ये मैं कैपिटल गेन में पढ़कर आया हूं। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब ही सेल के बारे में बात हो रहा है, सस्ता में मैंने बेच दिया, तो सेलर का वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं सेक्शन 50C, दिस इज कैपिटल गेन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेलर, वी आर टॉकिंग हियर फॉर परचेजर। ठीक है, बता रहा हूं मैं। सपोज करो सेल प्रोसीड्स है 20 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 24 लाख। पहले चेक करना है, पहले चेक करो, क्या चेक करना है, डिफरेंस इज 4 लाख, हाँ, डिफरेंस हैज टू बी मोर देन दीज टू, क्या डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, हाँ, क्या डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 2 लाख, तो 50,000 और 2 लाख में हायर क्या है, 2 लाख, तो 4 लाख इज मोर देन 2 लाख। हाँ या ना, पहले इन दोनों का जो हायर है उससे चेक होगा डिफरेंस, इन दोनों का हायर से डिफरेंस को पहले चेक करना है।
तो IFOS में 4 लाख टैक्सेबल, समझ गया मेरा बात? तो सस्ता में बेचा तो बेचने वाले को तो नुकसान है ही, उसको मिला 20 लाख, लेकिन सरकार उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मानेगी? 24 लाख, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ सेल प्रोसीड्स, 110% ऑफ सेल प्रोसीड्स 22 लाख होता है, तो यहां पे सरकार इसका 24 लाख मानेगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इसका पॉकेट में है 20 लाख, लेकिन ये 24 लाख पे टैक्स दे रहा है। ये खरीदा 20 लाख में, फालतू में इसको 4 लाख पे टैक्स देना पड़ गया। समझ गया मेरा बात? एकदम क्लियर, इसमें कोई दोहराए नहीं है एकदम। और ये मैंने पहले ही बता दिया था, अगर पार्ट कंसिडरेशन मिल चुका है ई मोड से तो डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला कंसिडर होगा, ठीक है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, इफ पार्ट कंसिडरेशन इज पेड, जैसे मैं तो परचेजर हूं ना, तो पेड के बारे में बात होगा, थ्रू ई मोड्स, समझ गया ना? एसएससी कंप्लेन कर सकता है, बोले कि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, मार्केट में ये रेट है ही नहीं, वो सब समझ गया ना कहानी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात होगा, अगेन यहां पे वापस से अग्रीगेट वर्ड आ गया, सपोज करो हमको ज्वेलरी मिला है किसी से 1 लाख का गिफ्ट में, मूवेबल प्रॉपर्टी। हमको शेयर्स मिला है किसी से 40,000 का, टोटल कितना होगा? 1,40,000, फेयर मार्केट वैल्यू है ये, हाँ ये सब फेयर मार्केट वैल्यू है। प्रॉपर्टी में अलग अलग केसेस, दिस इज मोर देन 50, सो IFOS 1,40,000। ठीक है, सबका एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा आप लोगों को। इसमें डिफरेंस अगर 50,000, एग्रीगेट डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो अगेन वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो कैश गिफ्ट में एग्रीगेट है, इमूवेबल में इंडिविजुअल है, और वापस से मूवेबल में एग्रीगेट है। देखो एक चीज मैं बताऊं, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात हो रहा है ना, कैपिटल एसेट, मतलब स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए,
है ना। अगर मान लो मैं लैंड एंड बिल्डिंग में डीलर हूं और मैंने लैंड बेचा है या बिल्डिंग बेचा है, तब तो सेलर के लिए भी कैपिटल गेन नहीं होगा, तो मेरा IFOS भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है मेरे लिए। गॉट माय पॉइंट? तो वो यहां पे नीचे समझाया गया है, ये जो गिफ्ट वाला जो प्रोविजंस है, ओनली अप्लाई टू प्रॉपर्टी विच इज ऑफ कैपिटल नेचर, नॉट स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो अब समरी बताया है, होल अमाउंट इज टैक्सेबल इफ इट एक्सीड्स 50,000, समझ गया ना, एग्रीगेट। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी एग्रीगेट, सारा मूवेबल प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू चेक होगा, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सपोज करो ज्वेलरी है, फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख, मैंने 70,000 में खरीदा है, शेयर्स भी मेरे को कोई खरीदा है मैंने, फेयर मार्केट वैल्यू 40,000, मैंने खरीद लिया 25,000 में। क्लियर? तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है, 30, 15, 45, डिफरेंस डज नॉट एक्सीड 50, IFOS nil, समझ गया ना मेरा बात, सिंपल है, एग्रीगेट चेक होगा। इसमें इंडिविजुअली फॉर ईच प्रॉपर्टी, ठीक है, पचास हजार। हाँ क्या बोल रहे, समझा नहीं मैं, एक्सेप्शन मतलब, हाँ सब में, वो तो सब में ही है ना, देखो यहां पे दोनों ही लिखा है, सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव, ठीक है। पूरा समझा ही दिया, कैपिटल एसेट में क्या क्या आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सब आएगा, शेयर्स आएगा, ज्वेलरी आएगा, पेंटिंग, मतलब जो जो कैपिटल एसेट है सभी आ रहा है, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, बलियन, डिजिटल एसेट्स। अच्छा बोला गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्ट है ना, तो रिलेटिव में कौन कौन आएगा, वाइफ, भाई बहन, दोनों का, मेरा मेरा बीवी का, चाचा चाची मामा, ये लोग सब आएगा, मेरा दादा परदादा, वाइफ का और सबका वाइफ लोग, खानदान थोड़ा बड़ा कर दिया है, बिग फैमिली, गिफ्ट ले सकते हो, बिग फैमिली। ठीक है,
एचयूएफ में कोई भी मेंबर होगा तो वो मेरा रिलेटिव माना जाएगा। कोविड वाला के लिए बताया, ये छोड़ दो। सो दिस इज द चार्ट दे हैव गिवन, नॉट रिक्वायर्ड, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, सो यू कैन जस्ट सी दिस चार्ट लेटर ऑन। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए। क्या आप लोग इसको घर पे करके आएंगे? इफ यू ट्राई दिस एट होम देन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दिस। ओके, ठीक है। सो पूरा हमने आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस किया है। बस वन मोर स्मॉल क्लास, देन वी विल फिनिश अप दिस। ओके, बाय।